हेलो एवरीवन, आज इस लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लीडिंग होती है वो क्या होती है। ये ब्लीडिंग भी अलग अलग तरीके की होती है। जैसे कि अगर ये ब्लीडिंग फीटस की वायबिलिटी के बाद स्टार्ट होती है, यानी वायबिलिटी का मतलब है कि अगर इस दौरान अगर फीटस डिलीवर हो जाता है तो फीटस जो है वो जीवित रह सकता है। तो अगर ये ब्लीडिंग फीटल वायबिलिटी के बाद होती है या फिर वीक ऑफ जेस्टेशन में हम बात करें तो 28 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद अगर ये ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो इसे एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं और ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी डिसऑर्डर होता है और इसका मोस्ट कॉमन रीज़न प्लासेंटा के कारण होता है। सो प्लासेंटा डिराइव्ड रीज़न के कारण एंटीपार्टम हेमरेज अगेन दो में क्लासिफाइड होता है, एक होता है प्लासेंटा प्रीविया और दूसरा है अब्रप्शो प्लासेंटा। तो यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर हम प्लासेंटा प्रीविया के बारे में हम जानेंगे कि ये क्या होता है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं और क्या क्लासिकल क्लिनिकल पिक्चर्स होते हैं। प्लासेंटा प्रीविया, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, प्रीविया एक लैटिन वर्ड है। प्रीविया मीन्स प्रीवियस, फ्रंट, बिफोर, आगे, यानी ये प्लासेंटा नीचे की ओर लोअर सेगमेंट के अंदर इम्प्लांट होता है। क्योंकि नॉर्मली का जो प्लासेंटा का इम्प्लांटेशन है वो अपर सेगमेंट में होता है, लेकिन यहाँ पर प्लासेंटा अपर में नहीं बजाय कि यहाँ पे क्या होगा, लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट हो रहा है। और लोअर सेगमेंट में भी या तो वो सर्वाइकल ओस के ऊपर होगा या फिर सर्वाइकल ओस के अराउंड कहीं पर इम्प्लांट होगा। तो जब प्लासेंटा लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट होता है और ये प्रेजेंटिंग पार्ट के आगे की ओर होता है तो उसे प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। ये प्लासेंटा प्रीविया क्यों होता है, इसका एग्जैक्ट रीज़न जो है वो अभी तक नहीं पता चल पाया है, लेकिन कई रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि इन सारी कंडीशन के अंदर प्लासेंटा प्रीविया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर एडवांसिंग मैटरनल एज है, यानी मदर जो है वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट बहुत लेट एज में हो रही है, मल्टीपैरिटी है, यानी दो या उससे कई बार फीटसेस को वो डिलीवर कर चुकी हैं, तो इन कंडीशन में क्या होता है कि एजिंग फैक्टर होता है, यानी जो वेसल्स होती हैं एक एज के बाद में क्या होने लगती हैं, वीक होने लगती हैं और उनमें वो इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती हैं कि ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज को क्या कर सके, इम्प्लांट कर सके। सो देयर इज़ अ वीक डेसिडुअल रिएक्शन। और अगर उसी के साथ में अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी हैं, ट्विन प्रेगनेंसी हैं, तो इन कंडीशन के अंदर क्या होता है कि हो सकता है एक ही बिग प्लासेंटा हो या फिर दो प्लासेंटा है, तो दोनों में से ही किसी भी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि प्लासेंटा की हाइपरट्रॉफी और एनलार्जमेंट के कारण प्लासेंटा जो है वो लोअर सेगमेंट तक एक्सटेंड हो जाता है। लोअर सेगमेंट तक वो आ रहा है, मींस इट इज़ अ प्रीविया। एंड अगर मदर जो है बहुत हैवीली स्मोक करती है तो एक्सेस स्मोकिंग के कारण बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाता है, जो कि टिश्यू हाइपोक्सीमिया, ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज के अंदर हाइपोक्सीमिया कॉज करता है। तो उसी कारण क्या होता है कि इस हाइपोक्सीमिया को कंपनसेट करने के लिए प्लासेंटल हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है, और जब प्लासेंटल टिश्यू एनलार्ज होंगे तो ये अप टू द लोअर सेगमेंट एक्सटेंड हो सकते हैं। और इसी के साथ में अगर वुमेन के अंदर प्रीवियसली सिजरिन सेक्शन हुआ है या फिर प्रीवियसली कोई क्यूरेटेज प्रोसीजर्स हुए हैं, तो उन कंडीशन में क्या होता है कि प्रीवियस स्कार के साथ में, जैसे कि लोअर सीजन सेगमेंट सेक्शन है तो जो सीएस है वो लोअर सेगमेंट में देते हैं, तो सीजरन सेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो स्कार टिश्यूज होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन एंड कोलाजन अमाउंट ज़्यादा होता है, और जहाँ पे ऑक्सीजन एंड कोलाजन ज़्यादा होता है वहाँ पे इम्प्लांटेशन की संभावना उतनी बढ़ जाती है। इसलिए अगर स्कार है प्रीवियस या फिर क्यूरेट हुआ है, क्यूरेटेज हुआ है प्रोसीजर, तो उस कंडीशन के अंदर लोअर सेगमेंट के अंदर इम्प्लांटेशन की संभावनाएं बढ़ जाती है। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर। तो ऐसी कंडीशन में प्लासेंटा प्रीविया जब होता है तो कई प्लासेंटल एंड कॉर्ड एबनॉर्मेलिटीज भी देखने को मिलती हैं। लाइक अगर प्लासेंटल एबनॉर्मेलिटीज की बात करें तो प्लासेंटा ससन चुरेटा भी देखने को मिल सकता है, जिसमें एक एक्स्ट्रा लोब बन सकता है मेन प्लासेंटा से स्लाइटली अवे, थोड़ा सा दूर। एंड अगर कॉर्ड एबनॉर्मेलिटी है तो बैटल डॉर प्लासेंटा हो सकता है, जिसमें प्लासेंटा से मार्जिनली कॉर्ड ओरिजिनेट होगा, यानी जो कॉर्ड का इंसर्शन है वो मार्जिन से हो रहा है, यूजुअली सेंटर से होता है। एंड वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड देखने को मिल सकता है, जिसमें
प्लासेंटा से कॉर्ड एंड वेसल्स उसकी मेन सरफेस से ना होके थोड़े से डिस्टेंस से हो रही हैं। ये एबनॉर्मेलिटीज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस ऑफ प्लासेंटा एंड कॉर्ड एबनॉर्मेलिटी, तो उसको आप डिटेली वहाँ देख सकते हैं। नाउ इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो क्लिनिकली इसे 4 टाइप्स के अंदर डिस्क्राइब किया गया है, टाइप 1, 2, 3 एंड 4। टाइप 1 मीन्स लो लाइंग, यानी इसमें प्लासेंटा लोअर सेगमेंट में तो होता है लेकिन सर्वाइकल जो ओस है, जो सर्वाइकल इंटरनल ओस है वहाँ तक ये टच नहीं होता है, ओनली लोअर सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। सेकेंड टाइप होता है मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया, जिसमें जो प्लासेंटल टिश्यूज होते हैं ये सर्वाइकल ओस, जो सर्वाइकल इंटरनल ओस है उसकी ओपनिंग तक जस्ट टच करते हैं बट इस ओस को क्लोज नहीं करते हैं। सो इसे बोलते हैं मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया, टाइप 2। टाइप 3 होता है पार्शियल या फिर इनकम्प्लीट, जिसके अंदर क्या होता है कि प्लासेंटा इंटरनल ओस को कवर करता है लेकिन जब इंटरनल ओस डायलेट होता है तो उसी के साथ में ये पार्शियल ही इसे कवर करता है, कम्प्लीटली इसे ब्लॉक नहीं करता है प्लासेंटा। सो इसे कहते हैं इनकम्प्लीट और पार्शियल, टाइप 3। और एक होता है 4th, दैट इज प्लासेंटा कम्प्लीटली लोअर सेगमेंट के अंदर होता है, जिसमें अगर इंटरनल ओस क्लोज है या फिर डायलेटेड है, दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या होगा, प्लासेंटा कम्प्लीटली इंटरनल ओस को कवर करेगा, इसे कहीं भी पार्शियली कवर नहीं करेगा, कम्प्लीटली इसे ब्लॉक करेगा। सो इसे कहते हैं टाइप 4। तो ये है 4 degrees और 4 types। नाउ अकॉर्डिंग टू NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन 4 categories को अगेन रिक्लासीफाई किया गया है। इन 2 categories के अंदर एक होता है प्लासेंटा प्रीविया और दूसरा होता है लो लाइंग। जो टाइप 3 और टाइप 4 है, जो कि मेजर डिग्री ऑफ प्लासेंटा प्रीविया होते हैं, इनको एक्चुअली प्लासेंटा प्रीविया के अंदर काउंट किया गया है, यानी जिसमें ये कम्प्लीटली और पार्शली इंटरनल ओस को कवर करता है। एंड जो लो लाइंग टाइप है, लो लाइंग क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर टाइप 1 और टाइप 2 को क्लासिफाई किया है। यानी लो लाइंग का मतलब होता है कि प्लासेंटा लोअर सेगमेंट में है और वो इंटरनल ओस के 2 centimeter की पेरीमीटर के अंदर आता है, तो इसे लो लाइंग कहते हैं, 2 centimeter की पेरीमीटर में, जिसमें टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों आते हैं। तो एक तरीके से टाइप 1 एंड टाइप 2, जो कि माइनर डिग्री ऑफ प्लासेंटा प्रीविया है, इसे लो लाइंग कहते हैं, और टाइप 3 एंड टाइप 4 जो है ये मेजर डिग्री ऑफ प्लासेंटा प्रीविया है, इसे प्लासेंटा प्रीविया क्लासिफिकेशन के अंदर यूजुअली इंक्लूड किया जाता है अकॉर्डिंग टू NIH। नाउ इसमें जो टाइप 2 पोस्टीरियर प्लासेंटा प्रीविया होता है, ये काफ़ी डेंजरस माना जाता है बिकॉज प्लासेंटा एंटीरियरली भी अटैच हो सकता है एंड पोस्टीरियरली भी, लेकिन जब ये पोस्टीरियरली अटैच होता है तो उस कंडीशन में ये सैक्रल रीजन पे ये मेनली अटैच होता है, तो जब सैक्रल प्रमोनट्री पे ये अटैच होता है तो जब प्रेजेंटिंग पार्ट फीटस का एंगेज होने लगता है तो वहाँ पर ये डिफ़िकल्टी कॉज करता है, बिकॉज सैक्रल प्रमोनट्री से जो सिम्फाइसिस प्यूबिस तक जो हम मेजरमेंट लेते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इनलेट का, वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है, और उसकी रिडक्शन के कारण जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो सिंक डाउन नहीं हो पाता है, नीचे नहीं आ पाता है और एंगेज नहीं हो पाता है। सो एंगेजमेंट डिफ़िकल्टी हो सकती है विद टाइप 2 पोस्टीरियर प्लासेंटा प्रीविया, जिसे कि डेंजरस माना जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जानने वाली बात यह है कि जब हम प्रेगनेंसी के दौरान अर्ली वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर सोनोग्राफिकली जब डिटेक्ट करते हैं कि प्लासेंटा प्रीविया वुमेन के अंदर है, तो अर्ली वीक के अंदर अगर प्लासेंटा लो लाइंग है, नीचे की ओर है बट सर्वाइकल ओस को कवर नहीं कर रहा है, सर्वाइकल ओस को कवर नहीं कर रहा है बट प्लासेंटा लोअर सेगमेंट में अगर इम्प्लांट होना स्टार्ट हो गया है, तो इन मेजॉरिटी ऑफ सिचुएशन, मेजॉरिटी ऑफ कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी 2nd trimester या 3rd trimester तक पहुंचती है, तो जब लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट प्रोग्रेसिवली एनलार्ज जब होते हैं, तो उसी के साथ में प्लासेंटल टिश्यूज भी क्या होते हैं, अपवर्ड माइग्रेट होने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि वैस्कुलेचर, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स जो होती है ये मोर अबेंडेंट, मोर रिच होती है इन फंडल रीजन, जो कि हाईली सप्लाई करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सो जब फंडल रीजन में हाई ब्लड वेसल्स होंगे तो ये अट्रैक्ट करेंगे टिश्यूज को कि वो वहाँ पे इम्प्लांट हो इन अपर सेगमेंट, सो दैट इज कॉल्ड ट्रोफोट्रोपिज्म। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ट्रोफोट्रोपिज्म, जिसमें
हाई वैस्कुलेचर के कारण जो टिश्यूज है वो कहाँ पे शिफ्ट होने लगते हैं, फंडस रीजन की ओर, अपर सेगमेंट में। सो यस, अगर लो लाइंग प्लासेंटा है बट सर्वाइकल ओसो क्लोज नहीं किया है तो प्लासेंटल माइग्रेशन के जरिए मेजॉरिटी ऑफ कंडीशन एट द एंड ऑफ सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर क्या होगा कि वो अपवर्ड माइग्रेट करने लगेगी, रीलोकेट होगी और वहां पर शिफ्ट हो सकती है। सो हो सकता है कि सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर तक अगर हम दोबारा सोनोग्राफी के लिए आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो प्लासेंटा प्रीविया तब तक क्या हो चुका होगा, चेंज। सो दैट कुड नॉट बी अ केस ऑफ प्लासेंटा प्रीविया एनी मोर। ओके, हो सकता है। बट सपोज अगर ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज जो हैं अगर वो इम्प्लांट और मीन्स इन्वेड एनक्रोच होने लगी है इन अ सर्वाइकल रीजन, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सर्वाइकल रीजन से वो शिफ्ट होकर अपर सेगमेंट में चली जाएगी। ये तभी पॉसिबल है जब वो लोअर सेगमेंट में हो लेकिन सर्वाइकल रीजन को इन्वॉल्व ना करें। सो दैट इज वन थिंग दैट इज कॉल्ड प्लासेंटल माइग्रेशन एंड द फिनोमेना इज ट्रोफोट्रोपिज्म। नाउ विल टॉक अबाउट द साइंस एंड सिम्टम्स। सो द क्लासिकल सिम्टम जो प्लासेंटा प्रीविया के अंदर दिखाई देता है वो है ओनली द वजाइनल ब्लीडिंग। सो ये जो वजाइनल ब्लीडिंग है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये कॉजलेस होती है बिकॉज ये सडनली हो जाती है। वुमेन इसके बारे में अवेयर नहीं होती हैं बिकॉज उसकी हिस्ट्री इस टाइप की होती है कि वो जस्ट रेस्ट कर रही थी एंड सडनली उसने देखा कि मैं एक पूल ऑफ ब्लीडिंग के अंदर लाई डाउन हूँ। सो देयर इज द ब्लीडिंग जो कि कॉजलेस होती है, रिकरेंट होती है, मीन्स अगर अभी वार्निंग हेमरेज हुआ है, ट्रांजिएंट अमाउंट है, कुछ कम अमाउंट में ब्लीडिंग हुई है तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है बहुत हैवी ब्लीडिंग हो। कितनी और कब होगी इसको प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल होता है। सो देयर इज अ रिकरेंट ब्लीडिंग मे बी एंड पेनलेस बिकॉज यहाँ पे कोई यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन या फिर कोई भी वुमेन को पेन नहीं हो रहा है जिससे कि सेपरेशन हुआ है और सडनली ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है। इट इज कम्प्लीटली पेनलेस, यानी कोई भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है यहाँ पे। सो वजाइनल ब्लीडिंग इज द ओनली सिम्टम जो कि रिकरेंट, कॉजलेस एंड पेनलेस होती है वुमेन के अंदर। एंड अगर इसके अलावा कुछ एब्डोमिनल पाल्पेशन के जरिए कुछ साइंस को अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो फंडल हाइट हमें मिलती है ये जितने वीक ऑफ प्रेगनेंसी हैं उससे करस्पॉन्ड रहती है, उसी के बराबर होती है। ऐसा नहीं है कि वीक ऑफ जेस्टेशन ज़्यादा है और हमें हाइट कम मिल रही है, इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। फीटल हार्ट साउंड की बात करें तो ये जो सेपरेशन हुआ ये प्लासेंटा सेपरेशन है, यानी मैटरनल ब्लड है। सो एज सच देयर इज नो ब्लड लॉस फ्रॉम द फीटस, तो फीटल हार्ट साउंड पर भी एज सच कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो फीटल हार्ट साउंड इज ऑल्सो नॉर्मल। एंड लेकिन यहाँ पर जो प्लासेंटा है वो लो लाइंग है, लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट है, तो उसके कारण क्या हो सकता है, एंगेजमेंट डिफिकल्टीज हो सकती है जिसके कारण फ्रीक्वेंट माल प्रेजेंटेशन, माल पोजिशन देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि हेड पार्ट अगर एंगेज नहीं हो रहा है तो देयर में बी अ ब्रीच। अगर लाई लॉन्जिट्यूडनल नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ द कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया तो लाई भी ट्रांसवर्स हो सकती है। सो ये कुछ साइंस जो है इसे ऑब्जर्व किया जा सकता है। बट कभी भी कौन सा टाइप ऑफ प्लासेंटा प्रीविया है उसे डिटेक्ट करने के लिए हम पर वजाइनल एग्जामिनेशन यहाँ पे नहीं करेंगे बिकॉज पीवी इज कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्टेड इन दिस केस। अगर यहाँ पे किया जाता है तो फर्दर प्लासेंटल सेपरेशन हो सकता है जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है जो कि कंट्रोल कर पाना नामुमकिन हो सकती है। सो इस प्लासेंटा प्रीविया कंडीशन के अंदर कभी भी पीवी एग्जामिनेशन करके हमें आइडेंटिफाई नहीं करना होगा कि कौन से टाइप ऑफ या कौन सी डिग्री ऑफ प्लासेंटा प्रीविया है। सो दीज आर दी साइंस कि जो ब्लीडिंग है वजाइनल ब्लीडिंग जो है वो रिकरेंट, कॉजलेस एंड पेनलेस है बट इट इज ब्राइट इन रेड। ब्राइट रेड इसलिए बिकॉज यहाँ पे सेपरेशन के साथ ही जो ब्लड है वो तुरंत बाहर आ जाएगा और ये फ्रेश ब्लड होगा इसलिए ब्राइट रेड इन कलर होगा। सो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हमने समझा कि प्लासेंटा प्रीविया क्या है एंड इसके टाइप्स क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, एज वेल एज क्या क्लासिकल सिम्टम वुमेन के अंदर दिखाई देता है। थैंक यू।